हेलो विद्यार्थी मित्रों, विद्यानगर हाईस्कूल में हूँ जागृति देसाई। आज आप आठमा में हिंदी में तीजो पाठ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स विषे जोईशु। तेना लेखक है डॉक्टर कोकिला पारेख। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उवारसद जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने एमए एमफिल और विद्यावाचस्पति एट्ले कि पीएचडी की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत हैं। मित्रों, आ पाठ जे छे कोकिलाबेन पारेखे लखेलो छे, जे विद्यापीठ में अत्यारे रीडर तरीके कार्य करे छे। तेमणे सुनीता विलियम्स विषे एनी प्राथमिक जे माहिती छे अपना पाठ द्वारा जाणवा मळे छे। अपना माटे गौरव छे, भारतनी पुत्री छे के जे अंतरिक्ष यात्री अने त्यां एणे केटला बधा रेकॉर्ड बनाव्या छे एना विषे आजे आपणे आ पाठमां जोईशुं। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचे जैसे उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो हैं ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया है और सफल होकर वापस आई। मित्रों, अपना माटे सुनीता विलियम्स ए इतलू गौरवशाली व्यक्तित्व छे भारत माटे के ते जारे भारत में आवी त्यारे भारत में खूब उत्साह हतो, कारण के एक परंपरागत प्रणाली माथी दूर जे कोई विचारी नथी शकतू अंतरिक्ष यात्री बनवानो, एक छोकरी बनी अने त्यां घणा बधा रेकॉर्ड घणा बधा दिवसो रही। कल्पना चावला पण आ अगाउ आपणे आ गौरव अपावेलू। आपणा कमनसीब के कल्पना चावलानुं मृत्यु थयुं, पण आपणा सुनीता विलियम्स ए त्यां सफळताथी रहीने पाछा आव्या। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दिव्या स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुँची है। मित्रों, कल्पना चावला हरियाणा शहरना हरियाणा प्रांतना करनाल शहरनी रहवासी हती, जेने प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्रीनू सम्मान मळे छे। भारतना प्रथम अंतरिक्ष यात्री तो राकेश शर्मा हता, पण महिला अंतरिक्ष यात्री तरीके कल्पना चावलाने सम्मान मळे छे। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महेसाणा जिले के झुलासण गांव में हुआ था। मित्र, सुनीता विलियम्स वाँची एटले अपने मन में प्रश्न थाय के ए गुजराती अने भारतीय केवी रीते, पर तेना पिता गुजराती हता। दीपक भाई पंड्या गुजरात महेसाणा जिलाना झुलासण गामना रहवासी हता। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्सबाइन बॉनी नामक युगोस्लावियन युवती के साथ शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता, तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। तेना पिता दीपक भाई 1960 में अमेरिका गया। ते न्यूरोसर्जन तरीके तेमणे सेवा आपता था अने एमणे उर्सबाइन नामना युगोस्लावियन युवती साथे लग्न कर्या। अने ते सुनीता छे त्रण भाई बहन छे, सौथी मोटा जय, दीना अने सौथी नाना सुनीता। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 में ओहियो अमेरिका में हुआ था।
मुक्त वातावरण में पली सुनीता के साहसिक वृत्तियां उभर सके। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी, घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमरीकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चंद्र पर की धरती पर उतरते देखा, तब मन से निश्चय कर लिया था कि मुझे भी कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। मित्रों अपने कहिए छे ने कि भाई पुत्रना लक्षण पारणामा थी। सुनीता पण खूब मुक्त वातावरण में मोटी थयेली। तेणे ए समय खूबज एने मुक्त वातावरण हतुं ने एनी साथे ए ज्यारे 6 वर्षनी हती त्यारे नील आर्मस्ट्रांगे धरती पर चंद्र उपर पग मूकेलो અને ત્યારથી તેણે નિશ્ચય કરેલું કે મારે પણ આવું કંઈક કરવું છે, કંઈક અલગ કરવું છે, બધા જેવું કરે છે તેવું નહીં પણ અલગ। ઉસકી હાઈસ્કૂલ કી શિક્ષા મેસાચુસેટ્સ મેં હુઈ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ નેવલ અકાદમી મેરીલેન્ડ સે ભૌતિક વિજ્ઞાન મેં સ્નાતક કિયા, ઇન્જિનિયરિંગ મેનેજમેન્ટ ફ્લોરિડા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓર ટેકનોલોજી 1995 મેં બાદ મેં અનુસ્નાતક કિયા। ઇસકે પહેલે 1970 में नेवल अकादमी के व्यवसाय अनुभव के लिए जुड़ी गई, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियां का महत्व था। इसके बाद नेवी एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइन ऑफिसर का पद मिला, हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया, प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेट्स पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा में जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। मित्रों जयरे तब दृढ़ निश्चय करो छो तो तमने कोई रोकी नहीं सकत, कहे ने अडग मनना मानवी ने हिमालय नड़तो नथी। तेने अलग अलग अनुस्नातक आपणे जेने कहे ग्रेजुएट पछी वधारे आगळ अभ्यास करता 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 हेलिकॉप्टर प्रशिक्षण मेळव्युं अने त्यार बाद पायलट बनवा माटेनुं एनी जे कहेवाय के प्रथम चरण हतुं एनुं आ अंतरिक्ष यात्री बनवा माटेनुं અને નાસામાં પહેલાં નહીં પણ દ્વિતીય પ્રયાસથી તે સફળ થયા અને દુનિયામાં માત્ર 100 જ અંતરિક્ષ યાત્રી છે। હજારો વૈજ્ઞાનિક છે, હજારો પાયલોટ છે, પણ અંતરિક્ષ યાત્રી માત્ર 100 છે। સુનીતા કે ખાસ મિત્ર ઓર સહધ્યાયી માઇકલ વિલિયમ્સને શાદી કી ઓર સુનીતા પંડ્યા સે સુનીતા વિલિયમ્સ બની। માઇકલ વિલિયમ્સને સુનીતા કી સિદ્ધિ મેં સાથ દિયા। ઘરના સાથ વગર હંમેશા વ્યક્તિ સફળ નથી થઈ શકતી એનું એક ઉદાહરણ છે કે સુનીતાના જે પતિ હતા માઇકલ વિલિયમ્સ જેમણે એને ખૂબ સાથ આપ્યો। સુનીતા કો અંતરિક્ષ પરી બનાને મેં કલ્પના ચાવલા ને હી પ્રેરણા સ્ત્રોત કા કામ કિયા હૈ। પિછલે 8 વર્ષો મેં અંતરિક્ષ યાત્રા પર જાને વાલી ભારતીય મૂલ કી દૂસરી મહિલા કી સકુશલ વાપસી સે લોગોને રાહત કી સાંસ લી। અપની વાપસી મેં ઉન્હોને કહા થા કી નાસા મેં અભિયાન મેં कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मित्रों थोड़ो समय सुनीता और कल्पनाए पण साथे कार्य कर्यु छे अने तेनामांथी घणी बधी प्रेरणा अने सीखवा माटे सुनीता ने मळ्युं हतुं। પણ કલ્પના આપણી કલ્પના બની ગઈ અને સુનીતા સફળ થઈને ત્યાંથી પાછી આવી। મિત્રો આગળનો પાઠ હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું। આભાર।